हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बेसन से बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनाएंगे। हम इसे प्याज एंड हरी मिर्च से बनाएंगे। हम इसे प्याज का बेसन भी कहते हैं। तो आप इसे गर्म गर्म बेसन को गर्म पराठों के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। इसके लिए मैंने लिया है 1 कप बेसन। अब हम इसमें पानी ऐड करके इसका एक अच्छा सा बैटर बना लेंगे। हमें इसका अच्छा सा बैटर बना लेना है। हमें इस बात का ध्यान रहे कि इसमें लम्स ना आए। अब हम इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे। हमें इसका बैटर थोड़ा पतला बनाना है। ये देखिए, हमारा बैटर एकदम तैयार है। अब मैंने 3 मीडियम साइज के प्याज को स्लाइसेस में कट कर लिया है। मैंने 5 से 6 हरी मिर्च को भी बारीक चॉप्ड कर लिया है और मैंने करी पत्ता लिया है। इसमें हरी मिर्च और करी पत्ता का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो आप इसे जरूर लीजिएगा। अब मैंने एक कढ़ाई में ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून राई, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 करी पत्ता एंड हरी मिर्च। हमें इसे 10 सेकेंड तक अच्छे से फ्राई होने देना है। अब हम इसमें ऑनियन भी ऐड कर देंगे। मैंने इस दोस्तों इस बेसन में लच्छे वाले प्याज बहुत अच्छे लगते हैं। आप चाहे तो इसे बारीक भी चॉप्ड कर सकते हैं, पर मैं इसी टाइप से चॉप्ड करती हूँ। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हमें ऑनियन को डार्क ब्राउन नहीं करना है, हमें बस ऑनियन को इतना ही पकाना है जितना कि सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए, हमारे ऑनियन थोड़े पक गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं, पर इसका कलर अभी भी वाइट ही है, तो हमें इसमें इसी टाइप से पकाना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च। ये चटपटा बहुत अच्छा लगता है, तो आप अपने हिसाब से इसमें रेड चिली डाल सकते हैं। मैंने 1/4 टीस्पून काली मिर्च ली है, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसमें डाल सकते हो नहीं, पर इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। एंड 1 टीस्पून नमक। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों ये बहुत ही टेस्टी लगता है, तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। अगर आपने ये रेसिपी ट्राई करी है तो आप दूसरी सब्जी को भी भूल जाएंगे, तो आप इसे जरूर ट्राई करिएगा। ये गर्म गर्म बेसन रोटी पराठों के साथ बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, मैंने सारे मसाले मिक्स कर लिए। अब हमने जो बेसन का बैटर बनाया था वो इसमें हम डाल देंगे और अच्छे से चला लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत जल्दी बन जाता है। अगर आपको कुछ बेसन की चीजें खाने का मन करे तो आप इसे झटपट बनाइए और गर्म गर्म पराठे और रोटी के साथ खाइए, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। ये देखिए, मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे अच्छे से बॉईल होने देंगे। ये देखिए, बॉईल होने लगा है। अब हम इसे 10 से 15 मिनट तक लो फ्लेम पे पकने देंगे। हमें इसे लो फ्लेम पे ही पकने देना है, तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। अब हम इसे 5-5 मिनट में चलाते रहेंगे ताकि ये चिपके नहीं। तो अब हम इसे
ऐसे ही ढक के पकने देंगे। इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि आपको इसे लो फ्लेम पे ही पकने देना। ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं, हमारा ऑयल ऊपर आने लगा है। अब मैं इसे एक बार चला लूंगी। अब हम इसे ढक के फिर से रख देंगे और 10 मिनट तक और पकाएंगे। हमें इसे एक या दो बार और चलाएंगे, ऐसे ही मैं इसे पका लूंगी। ये देखिए 15 मिनट्स हो गए हैं और हमारा बेसन एकदम पक गया है। आप देख रहे हैं कि हमारा पूरा जो ऑयल है वो ऊपर आ गया है। तो दोस्तों अब हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया। ये देखिए हमारा प्याज एंड हरी मिर्च का बेसन एकदम रेडी है और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिए। अब आप इसे गर्म गर्म रोटी या पराठे के साथ खाइए और इस डिश का मजा लीजिए। आई होप दोस्तों मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।